नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल MBD ज्ञान में आपका स्वागत है। लॉकडाउन जारी रहेगा। कोरोना वायरस ने दुनिया की रफ्तार थाम सी दी है। यूरोप और अमेरिका में सबसे ज़्यादा कोरोना कहर बरपा रहा है। अमेरिका में अकेले 80,000 लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं, जिसमें कोरोना से मरने वालों में 80% यूरोप और अमेरिका से हैं। भारत में सरकार ने लॉकडाउन कर स्थिति को काबू में कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद कोरोना सभी के लिए चुनौती बना हुआ है। भारत में संक्रमित लोगों का आंकड़ा लगभग 67,000 के पार कर चुका है और मरने वालों की संख्या भी लगभग 2,200 पार हो चुकी है। अब क्या लॉकडाउन ही समस्या का समाधान है? क्या लॉकडाउन से ही कोरोना को हराया जा सकता है? लेकिन देश में जो कोरोना के हालात हो रहे हैं, उससे लग रहा है कि लॉकडाउन जारी रह सकता है। एक तरफ उद्योग और प्रवासी मजदूरों को ध्यान में रखा जाए तो लॉकडाउन से इन पर बुरा प्रभाव पड़ता दिखाई पड़ रहा है। भारत में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है और मेडिकल सुविधाओं में भारत का दुनिया में 145वां स्थान है। यदि लॉकडाउन को हटा दिया जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टूट जाएंगे और कोरोना संक्रमण का खतरा तेज़ी से बढ़ जाएगा। यूरोपीय देशों में मेडिकल सुविधाएं अच्छी होने के बाद भी संक्रमित लोगों की संख्या लाखों में है, इसलिए कोरोना की वैक्सीन न होने के कारण लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय दिखाई देता है। भर में लॉकडाउन ने लोगों को घरों में कैद होने को मजबूर कर दिया है। करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मई में 30 करोड़ लोग भारत में बेरोजगार होने की संभावना है। लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर मजदूर वर्ग पर पड़ रहा है। दैनिक आय वाले दिहाड़ी मजदूर बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं। इन लोगों के पास दैनिक ज़रूरतों जैसे अनाज और सब्जी के लिए पैसों का अभाव है। हालांकि सरकार द्वारा राशन व बैंक खाते से पैसे भेजे जा रहे हैं, लेकिन भविष्य को लेकर ये मजदूर वापस अपने घर जाने के लिए मजबूर हैं। लॉकडाउन कब खुलेगा, इसमें बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने 12 मई से पैसेंजर ट्रेन चलाने का विचार किया है और CBSE ने भी 1 जुलाई से 15 जुलाई के मध्य परीक्षा कराने की घोषणा की है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार भी अब लॉकडाउन को लंबा नहीं खींचना चाहती है। विकास की रफ्तार देने के लिए सशर्त कारखाने खोलने पर विचार किया जा रहा है। यदि लॉकडाउन ज़्यादा लंबे समय तक रहा तो हालात अनियंत्रित हो सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या 17 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा? इस सवाल का जवाब सरकार के आधिकारिक आदेश के बाद ही तय होगा।